हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। एंड आज मैं यहाँ पर हूँ इंस्पिरा कैंपस में। तो मुझे इनवाइट किया है मिस्टर सम्राट राजपूत उसके इवेंट्स में। तो पहुँचते पहुँचते मुझे लेट हो चुका था, तो स्टार्ट भी हो चुके थे, है ना। और ये देखो भाई, इतना अच्छा व्यू है। मैं तो फर्स्ट टाइम आ रही हूँ इधर में, तो मुझे पता नहीं था। और स्टार्ट भी हो चुका था और मैंने सोचा चलो ठीक है, बैठ लेंगे। अरे यार, इतना ज़्यादा ठंड है, कितना ज़्यादा ठंड है ना। बैठते बैठते रात हो चुके, तो साइड को दीद को बोला कि मेरी हाय बोलो, तो उसने भी हाय बोला। तो इतना चाय पीने का मन हो रहा था भाई, तो मैंने तो चाय ऑलरेडी पी रखी थी, तो मैंने ऑलरेडी चाय पी रखी थी, तो मुझे फिर से मुझे चाय पीने का बहुत मन हो रहा था और कुछ खाने का मन हो रहा था। तो मैंने यही सोचा कि अभी मैं जाऊँगी उधर, जाके मैं चाय पीऊँगी और कुछ खाऊँगी। और ये लो, मैं आ गई इधर में। तो बहुत सारे लोग खा रहे थे, इतना ज़्यादा खा रहे थे ना, तो आ गई मैं चाय के स्टॉल में। देन आफ्टर मैंने देखा कि अभी तो मैं चाय नहीं पीऊँगी, शायद मैं जाऊँगी दूसरे स्टॉल में जाऊँगी कि क्या है उधर, क्या मिलता है। और ये लो, ये देखो, हे भगवान, ओ माय गॉड, आई कांट कंट्रोल माय सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ देख के, तो ये खाने का चीज़ देख के ना, मुझे इतना खाने का मन होता है ना, बिकॉज आई एम वेरी फूडी गर्ल। तो मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, तो मैंने उसको पूछा कि ये क्या है, तो डोसा बोला, तो प्लेन डोसा बोला। तो फिर से मैं प्लेन डोसा बोला। फिर उसके बाद मैं गई उधर दूसरे जगह में। तो इधर में था लाइक कुछ घुघनी था, पानी पूरी के साथ मिलता है ये सब कुछ। और फिर से मैं दूसरे प्लेस में गई, तो उधर में था ब्रेड का कुछ सैंडविच कुछ मिलता है इधर में। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं क्या खाऊं और मैं क्या खाऊं, मैं बहुत कंफ्यूजन में थी। एंड फाइनली डिसाइड हो गया कि मैंने चाट मसाला खाया अभी। तो चाट मसाला कंप्लीट करके तो आई मैं दूसरे स्टॉल पर। फिर देखा मैंने पिज़्ज़ा के स्टॉल, तो इट्स लुक वेरी डिलीशियस। चलो ठीक है, मैंने सोचा कि ट्राई कर लेते हो कि चलो ठीक है, एक लिया मैंने, बट इट्स लुक वेरी डिलीशियस। अब खाने के बाद पता चल गया कैसा है ये। चलो अब मैं खा लेती हूँ, टेस्ट कर लेती हूँ कैसा है इसका टेस्ट। अरे यार, खा तो लिया पर मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने भैया को कंप्लेन किया। दिखने में इतना डिलीशियस था भैया, तो खाने में इतना मज़ा नहीं आया। तो भैया ने बोला बहुत ज़्यादा लोग है, तो बहुत क्राउड है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी मैं बना रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अभी मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादा कुछ खा लिया, तो अभी मैं बैठूँगी, इवेंट्स इंजॉय करूँगी मैं। अरे यार, ये देख के तो फिर बहुत इमोशनल हो गया था। तो आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है कि मतलब ये सारी सी सब चीज़ देख के ना, मैं इतना इमोशनल हो जाती हूँ ना, लाइक स्कॉन जाते समय मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। जहाँ कहीं भी मैं सब चीज़ ऐसे देखती हूँ, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। अपने जो डिवोटीज लोग होते हैं, वो मतलब मैंने उन लोगों को पूछा कि क्यों ऐसा होता है। तो वो डिवोटीज लोग होते हैं कि जो भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, तो उन लोगों के साथ ऐसे फील होता है। मे भी हो सकता है, मे भी भगवान के साथ कनेक्टेड हूँ। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड दैट मैं कनेक्टेड हूँ। मुझे नहीं लगता है, ओनली गॉड नोस, मुझे नहीं पता, भगवान को पता है कि मैं कनेक्टेड हूँ या नहीं हूँ। पर सीरियसली गाइस, मैं बहुत इमोशनल हुआ था ये सीन देख के। और ये देखो, मुझे मिल गया क्यूट सा बेबी। और इसके हाथ में मैंने बैग भी थमा दिया मेरा, ये देखो। अरे यार, ये देखो, इतना क्यूट बेबी। मुझे ऐसा लग रहा था इसको उठा के मैं घर लेके जाऊँ, इतना क्यूट, इतना मैं जी कर रहा था इसको मैं खा जाऊँ इधर में, इतना क्यूट था ना ये बेबी। एक्चुअली क्या था ना, ये ना फ्रेंड्स लोग के साथ खेल रहे थे, देन आफ्टर इसको एक फ्रेंड ने धक्का दिया तो नीचे गिर गया, तो ये रो रहा था अकेले। तो उसके बाद मैंने बुलाया इसको, एंड बुला के ये देखो, मॉय, इतना क्यूट बेबी। एंड उसके बुला के वो मैंने उसको हंसाया, स्माइल किया, देन देखो उसके आँख में आंसू भी है। देखो, यही बच्चे लोग के साथ खेल रहे थे वो भी, तो इन लोग ने धक्का दे के उसको बेचारा को रुला दिया। Yeah.
ये लोग को देख के ना मुझे ना चाय पीने का मन हो रहा है। अरे यार क्या करूँ, अब मुझे लगता है मैं खाने के लिए आई हूँ। लो चाय के स्टॉल में भी आ चुकी हूँ मैं। अभी चाय बनाने का तरीका ये देखो गाइस, दिखने में तो अच्छा दिख रहा है, बनाने का तरीका तो बहुत अच्छा है, पर लेट्स सी क्या होगा, टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि कैसा है चाय। अब चाय पी लूँगी, ये देखो चाय टेस्ट कर लिया। वाओ इट्स वेरी 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 नाइस। चलो ठीक है, अभी मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से निकलूँ। अभी निकल के शायद मुझे थोड़ा लेट भी हो चुका है और 7:30 हो चुका है अभी, क्योंकि बहुत मुश्किल है ऑटो मिलने में। तो सिटी सेंटर से थोड़ा अंदर है ये जगह, तो बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से। तो मुझे लगता है कि आज मैं आई हूँ तो इवेंट्स में खाने के लिए सिर्फ आई हूँ, मुझे बहुत शर्म लग रहा है अभी। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं कि बहुत इन्जॉय किया, इवेंट्स इन्जॉय किया, और थैंक यू सो मच टू सम्राट राजपूत, तो बहुत अच्छा लगा मुझे आकर। चलो ठीक है, मैं बाहर निकली अभी और मुझे एक टोटो भी मिल गया। तो मैंने भैया को बोला कि मुझे जल्दी जाना है इधर घर से, तो उसने बोला कि चलो ठीक है। बट भैया ने 20 रुपीज़ में शेयरिंग में होगा तो 50 रुपीज़ में अकेले होगा, तो 50 रुपीज़ बहुत ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से। तो इधर उधर देख के मैंने बोला कि चलो 40 रुपीज़ दूँगी तो मैं चलूँगी। चलो ठीक है, भैया भी मान लिया और मैं गई और मैं टोटो में बैठी। तो कि ठीक है, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उन सभी लोगों का थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।